नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मकदम है। आपके महबूब प्रोग्राम राय नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हर्ब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मशरूफ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज जनाब हकीम सलमान खान तोर साहब हर रोज़ की तरह हम सबकी खिदमत में अपनी खूबसूरत सी शायरी, हिकमत से भरपूर खजाने के साथ एक बार फिर मौजूद हैं। मिलकर आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। सुबह खैर हकीम साहब। जरा नवाजी। एक छोटा सा किस्सा सुनिए नाज़रीन। हम जानते हैं कि बेसब्री से हकीम साहब की खूबसूरत शायरी का भी आपको इंतज़ार है। अशफाक अहमद साहब मारूफ मुफक्किर, दानिश्वर और साहिब तर्ज अदीब गुजरे हैं। ये वाक़िया उन्हीं का बयान करता है। वो कहते हैं कि सिंध के थर के इलाके में कुछ खानाबदोश ठहरे हुए थे, उन्होंने डेरे डाल रखे थे। कुछ लोग जो है वो भीड़ बकरियां चराते थे, कुछ जो है वो शहर जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, और कुछ जो थे वो सब्जियाँ और फल जो है वो बेचा करते थे। एक 15-16 साल का लड़का सर पर टोकरा रख कर कभी तरबूजे कभी खरबूज जाकर आसपास के इलाकों में बेचाया करता था। आगे आगे वो चलता था और उसके पीछे एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची भी चला करती थी। अशफाक साहब ने पता किया कि ये कौन है, तो मालूम हुआ कि ये जो छोटी सी बच्ची है ये उस लड़के की बहन है। माँ बाप फौत हो चुके हैं और इस बच्ची का और कोई है नहीं, इसलिए भाई जब जाता है तरबूज बेचने के लिए या फल बेचने के लिए तो इस बच्ची को भी साथ ले जाता है, उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने एक दिन उस बच्चे को बुलाया, कहा कि भाई ये तो बताओ मामला क्या है, जब तुम सुबह जाते हो तो ये बच्ची तुम्हारे पीछे पीछे चल रही होती है, शाम ढले जब तुम वापस आते हो तो भी ये बच्ची तुम्हारे पीछे पीछे चल रही होती है। उसूली तौर पर तो तुम्हें चाहिए कि इसे अपने आगे रखो ताकि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे ध्यान में रहे। उसने कहा कि जनाब आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, सूरज जो है वो आग बरसाता है, मेरे सर पर चूंकि ये टोकरा होता है इसलिए मेरा साया बड़ा होता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी छोटी सी बहन है, यतीम बच्ची है, ये मेरे साए में रहे, इस पर सूरज की गर्म शुआएं ना पड़ें, इस पर जो है वो सूरज की गर्म धूप का असर ना हो, लिहाजा मैं इसे अपने पीछे रखता हूँ ताकि ये धूप से बची रहे। अशफाक साहब कहते हैं कि ये जो उसका जुमला था उसने सिर्फ ये नहीं कि दिल की दुनिया को जेरो ज़बर कर दिया बल्कि चीखें निकल गईं, आहें निकल गईं। ये छोटा सा बच्चा जिसने कि ज़िंदगी और दुनिया को भी पूरी तरह देखा और समझा भी नहीं था, इसने, हम ये देखते हैं नाज़रीन अशफाक साहब के अल्फाज में, कि इसने इंसानियत का मफहूम, इसने यतीमों की किफालत, बहनों से मोहब्बत, छोटों से शफ़क़त और इबादत का हकीकी मफहूम दो लफ्ज़ों में समझा दिया। तो छोटा सा वाक़िया था नाज़रीन, लेकिन बहुत अच्छा लगा इसलिए आप सबको भी सुनाया। बाकी हकीम साहब के पास चलते हैं और उनका इजहार ख्याल। देखिए एक शेर याद आ गया, इतना अच्छा आपने वाक्य सुनाया कि किसी का शेर है कि सूरज को दिन के वक्त पकड़ने की जिद करे। सूरज को दिन के वक्त पकड़ने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। वाह वाह, क्या कहने हकीम साहब। हकीम साहब, ये परवीन शाकिर साहिबा ने भी कुछ ऐसा ही एक शेर लिखा है कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो वाकई एक एक शेर है उसे अब कहने का अंदाज जुदा गाना होता है हर शायर का। और मैं पहले जब शायरी को इतनी गहराई से जाना नहीं था हकीम साहब, आपकी माशाल्लाह रफाकत कहिए, आपकी सोहबत कहिए, अब ये रोज़ाना जो आप अपना अपनी एक ताज़ा गज़ल सुनाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ साथ मुझे भी शायरी अच्छी लगने लगी और आज ये इजहार मैं भी कर रही हूँ कि वाकई शायरी में अल्लाह ताला ने न जाने ऐसा क्या रखा है कि दो मिस्रों में आप बहुत बड़ा फ़लसफ़ा, कोई बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं कि ज़िंदगी का शऊर दो मिस्रों में समेट देते हैं। ये फ़न हर एक को नहीं आता, ये बहुत ख़ास अल्लाह का करम होता है जो वो अपने महबूब लोगों पर वदियत करता है। वाकई शायरी में कहीं बात चल रही थी, कोई मुझसे कह रहा था कि सीरियल बनाने लगो, तो मैंने कहा ठीक है बना लेंगे। एक डायरेक्टर थे तो कहने लगे राइटर का इंतजाम करो। मैंने कहा राइटर की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक शेर में एक पूरी कहानी होती है, तो मैं एक गजल रोज कहता हूँ तो 5 कहानियां तो कम से कम मैं रोज कह ही लेता हूँ क्योंकि एक गजल में 5 शेर होते हैं। तो वाकई अगर शायरी और
गजल से कोई गौर से देखे तो एक शेर में एक पूरी कहानी होती है, अगर उसे विस्तार से लिख दिया जाए तो वो बड़ी कहानी हो सकती है। बिल्कुल। गजल का मतलब इरशाद हकीम साहब। मैं तो पी लेता मेरा जाम कहाँ है राजी, मैं तो पी लेता मेरा जाम कहाँ है राजी, आजकल गर्दी से अय्याम कहाँ है राजी। बहुत अंदर। आजकल गर्दी से अय्याम कहाँ है राजी, और कामयाबी से सभी लोग हैं राजी, लेकिन कामयाबी से सभी लोग हैं राजी, लेकिन एक वो हसरत नाकाम कहाँ है राजी। एक वो हसरत नाकाम कहाँ है राजी, और उस हवेली के ही बस लोग हैं नाराज अभी, उस हवेली के ही बस लोग हैं नाराज अभी, वो दरीचा अभी वो बाम कहाँ है राजी। बहुत अमदा हकीम साहब मुकर्रम। उस हवेली के ही बस लोग हैं नाराज अभी, वो दरीचा अभी वो बाम कहाँ है राजी, वो दरीचा अभी वो बाम कहाँ है राजी। आज पीने की मैं उम्मीद लिए बैठा हूँ, आज पीने की मैं उम्मीद लिए बैठा हूँ, मेरा बोसीदा मगर जाम कहाँ है राजी। कहाँ है राजी, ये भी बहुत उम्दा है किम साहब। मेरा वो सीधा मगर जाम बहुत कहाँ खूबसूरत, जी। बहुत और खूबसूरत। मक्ते का शेर है, अब मुझे मालिक यकता की तरफ जाना है, अब मुझे मालिक यकता की तरफ जाना है, अब मुझे मालिक यकता की तरफ जाने दे, अब मुझे मालिक यकता की तरफ जाने दे, दूर नमदीदा असनाम कहाँ है राजी। मख्ता तो आपने जिगर निकाल कर रख दिया है, एक बार फिर मुकर्रर। अब मुझे मालिक यकता की तरफ जाने दे, अब मुझे मालिक यकता की तरफ जाने दे, दूर नमदीदाए असनाम कहाँ है कहाँ है राजी। बहुत अमदा किम साहब। नमदीदाए असनाम कहाँ है राजी। आपके असनाम तो बाद में नमदीदा होंगे, मैं नमदीदा हो गई। बहुत अमदा, बहुत ही उम्दा। सलामत रहिए, सलामत रहिए। हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहें हकीम साहब। अब्दुल्ला साहब फरमाइए, क्या सवाल है? सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल्ला भाई। जी मैं कह रहा था कि अगर किसी को हम जिन से अट्रैक्शन है और नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है, उसके लिए इलाज बता दे और सुस्ती भी रहती है। हकीम साहब इनका सवाल पहुंचा आप तक? हाँ, मैं समझ में ये आया कि हम जिन से अट्रैक्शन क्या है। हाँ, अट्रैक्शन है जी, नेचर नहीं है। ठीक है ठीक ठीक है। बहुत बहुत अजीब सवाल आपने पूछा है। अच्छा देखिए, ये गलत है। इस्लामिक नुक्ता निगाह से हम जिन्स के साथ अट्रैक्शन करना या उससे आगे का कुछ करना इस्लामिक तौर पर गलत है और बड़ा गुनाह है। इससे ज़मीन और आसमान लारस्ते हैं और ये बड़े गुनाहों में आता है। और इंसान जो है अजीब फितरत का है और उसका अट्रैक्शन ऐसी चीज़ों में, गुनाह की चीज़ों में बढ़ता है। पहले इस मामले में शायद लूत अलैहिस्सलाम की कौम जी, कौम इस मर्ज में मुब्तला थी तो उसको बहुत बुरी सजाएं दी गई, सबको पत्थर बना दिया, आग बरसी, क्या क्या हो। लूत अलैहिस्सलाम समझाते रहे, यहाँ तक कि उनकी अपनी अहलिया भी अपने भाइयों से के लिए काम करती थी, और अल्लाह ताला ने फिर आखिर में कहा कि अपनी बीवी को भी छोड़ के चले जाना। तो दो फरिश्ते आए, और पूरा वाकया है ही, आप इसको पढ़ें ज़रूर ताकि आप खायफ हो जाएं और इससे बचें। तो दो फरिश्ते आए उनके घर पर, लूत अलैहिस्सलाम घर पर। वो बुराई इतनी बढ़ गई थी कि
उनकी अलिया ने अपने भाइयों से को खबर भेजी कि बहुत अच्छे लड़के आए हुए हैं और पहले ये गुलामबाजी बहुत चलती थी और वो उनके भाई लोग आ गए तो लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए, डर गए और उन्होंने बड़ी उनसे मिन्नतें की, यहाँ तक कहा कि तुम चाहे मेरी बच्चियों को ले जाओ लेकिन इनको छोड़ दो। बहुत घबराने लगे, बहुत घबराने लगे, अल्लाह से दुआ करने लगे तो वो फरिश्ते थे वो, उन्होंने कहा कि आप घबराओ नहीं, आज हम इस कौम को कुछ ऐसे अल्फाज के हम तबाह करने आए हैं, बिल्कुल मत घबराओ और आप चले जाओ और पीछे पलट के मत देखना। फिर एक बहुत बड़ा जवाल आया, बहुत बड़ा अताब आया और पूरी कौम को ख़त्म कर गया। तो इससे बचे, आपने सवाल किया तो मुझे इतनी बड़ी बातें सुनानी पड़ी। लूत अलैहिस्सलाम को कभी पढ़िएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। बिल्कुल, और ये बहरे मुर्दार जो है, डेड सी है, आज भी ये ऐसी जगह है कि यहाँ कोई चीज़ उगती नहीं है, कोई नशो नुमा नहीं होती, पूरी बस्ती अल्लाह ताला ने जो है वो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उठाकर पलट दी, बर्बाद कर दी पूरी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत दे। सलाहुद्दीन भाई फोन लाइन पर मौजूद है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सलाहुद्दीन भाई। आपको भी रखिए साहब, पूरी बड़ी गुफ्तगू में मजा लुत्फ आ रहा था। तो कुछ चाहे सवाल है मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, वो परेशान हो रहे थे वही हमारे सवाल पूछो, हमारे सवाल पूछो, इसलिए इरशाद फरमाइए। पहला सवाल, एक शख्स है जिसके एक दिल की रग में पिस्टन जल गया है, एक जाम हो गई थी, तो अब उसको क्या हुआ, पेट फूल गया, थोड़ा बदन भी फूल गया और थोड़ा बीपी वगैरह भी बढ़ जाता है उसका। तो उसने भी पूछा है कि मेरे लिए कुछ ऐसा गरीब आदमी इतना बड़ा नुस्खा में दवाई मेरे से मंग नहीं जाती। और एक शख्स है जिसके गले की नसी नस चोक हो गई थी, तो ऑपरेशन में बेचारे ने 4-5 लाख रुपए लगा दिया, खुदा घर पूरा के मकान बेच गया। उसके बाद उसको क्या हुआ कि पाँव में बिल्कुल कमजोर हो गए, कुर्सी में बैठा रहता, खड़े होने की भी नहीं बनती, तो डॉक्टर ने कहा फिर ऑपरेशन होंगे, उठना होते मैं वो मिला हुआ बिना मना कराया, हरगिज मत कराना, मैं पूछूंगा कि आपसे कि क्या तेरे को नुस्खा लगेगा। और तीसरा मेरा खुद का है कि पेशाब की आदत बहुत हो जाती है कभी कभी, एकदम बाथरूम जाने जाना वजू बनाना पड़ता है, वजू बना के बस सुनने से पड़ता हूँ घर पे, फिर वजू बनाना पड़ता है, तो मेरे के लिए भी वो नुस्खा ऐसा बता देना। और एक चौथा सवाल ये है कि एक बहन है, अब उसने बताया थोड़ी कमजोरी बहुत हो गई, उम्र है उसकी 40-45 साल, फरमा दीजिए, मेरी गाड़ कर लूंगा बेहतर। आप फौरी तौर पर चाहते हैं इजहार ख्याल हकीम साहब से, रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं आप? जी हाँ, नहीं थोड़ा एक किसी का सवाल हो ले लो आप। ठीक है, मुझे मालूम है कि आप थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। एक छोटी सी बात हकीम साहब, हमारा ये प्रोग्राम सेहत हिकमत और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आपसे जो जिंदगी के बारे में शऊर मिलता है या आपकी जो आपने एक जिंदगी को जिया है, पूरी तरह देखा है इसके नशेब फराज को, किसी को शाम उदास करके जाती है, हमें आज की ये सुबह बोझल करके जा रही है। अब्दुल्ला अपने लबो लहजे से बहुत संजीदा नौजवान लगते हैं। शैतान इंसान का अजली दुश्मन है हकीम साहब, वो बातें जो मैं नहीं कह सकूंगी वो आप, क्योंकि उनके सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि एक फितरी लगाव के लिए किस तरह से इनके अंदर एक रगबत पैदा हो। एक छोटा सा वाक़या है, हजरत उमर का ज़माना है, एक नौजवान कहने में कोई बाक नहीं है बेटे, ये सब ये वाक़या आपके लिए बयान कर रही हूँ। हजरत उमर के ज़माने में एक नौजवान एक खातून पर आशिक हो गया, अब वो जहाँ जाती या उसका पीछा करता, सरे राह मिलता, वो औरत बहुत पाकबाज थी, हयादार थी, उसने कहा क्या चाहते हो, उसने कहा तुम्हें चाहता हूँ, कहा ठीक है मैं तुम्हें मिल जाऊंगी, एक शर्त है उमर के पीछे जो है वो 40 दिन नमाज पढ़ लो। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। हजरत उमर की इक्तदा में वो नौजवान मस्जिद में जाने लगा, नमाज अदा करने लगा। 40वें दिन उस जैसा कि वादा था, उस औरत ने कहा था मैं तुम्हें इसी जगह इसी मकाम पर मिलूंगी। 40वें दिन जब वो औरत वहां मौजूद थी, वो नौजवान आया, उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने कहा कि बहन सलामती के साथ घर जाओ, उमर की इक्तदा में नमाज पढ़ने के बाद अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, मुझे अल्लाह मिल गया है। तो अब हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे, हकीम साहब बाकी बातें अब्दुल्ला के लिए आप क्या कहेंगे?
हाँ देखिए, एक तो बड़ा मामला ये हो गया कि हमारी एक अलग अलग तरह की आज़ादी हो गई। हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी भी लगे, और ये आज़ादी इतनी नहीं होनी चाहिए, जितना शऊर आए उतनी आज़ादी इंसान को मिलनी चाहिए। वो ऐसा माहौल हो गया, ऐसे कपड़े हम पहनने लगे, ख़ास तौर पर ख्वातीन से कहना चाहता हूँ, और जो कपड़े पहनते हैं, जो हिजाब रखते हैं, उन पर बहुत बड़े बड़े मामलात बनने लगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, और इसमें हुस्न और इश्क को अलग रखा गया है, और अगर ये करीब आए तो वो एक दायरे के तहत आए, एक उसूल के तहत, एक रजामंदी के तहत आए। अब हमारी तरबियत भी ऐसी नहीं है, शादी को देर कर देते हैं। हर कोई समझता है कि पहले मुस्तकबिल बनाना फिर शादी बनाना है, लेकिन इंसान को ये फितरी ज़रूरत उससे पहले हो जाती है, ख्वातीन को भी और मर्दों को भी। अब कुछ लोग ख्वाहिश पूरी करते हैं इस तरह से, जैसे ये बच्चे ने फ़ोन किया था, और कुछ लोग मोबाइल से पूरी करते हैं ऐसी फिल्में और ऐसे सीन देखकर, अजीब उरियानी का माहौल है। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर बड़ा हिजाब है, हर कौम में हिजाब है। मैंने बहुत सी कौमों से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने ऐसा भी देखा कि ससुर ने, कई लोग त्यागी एक कौम होती है, मैंने देखा कि ससुर अपनी बहू का चेहरा ज़िंदगी भर नहीं देखता। ये एहतराम है ससुर का भी और बीवी का भी, उस खातून का भी, हर तरह अपने कोई पल्लू करता है तो कोई कैसे कर लेता है, एक फासला रखा गया है, और ज़रूरत के तहत उनकी शादियां कर देते थे। अब कम से कम 30 साल तो मुस्तकबिल बनाने में लगते हैं, और आदमी की उम्र 60 साल है, और 5 साल अगर लेट हो गए तो शादी नहीं होती। तो किसी ना किसी तरफ आदमी आकर्षित होता है, और इसको अगर औरत औरत की तरफ रागिब हो तो उसको, और वो सब उसके साथ करे जो फितरी तौर पर उसके साथ जायज़ नहीं है, तो उसे मसहका कहते हैं। और मर्द और मर्द अगर एक दूसरे से रागिब हो, जो बहुत बुरी बात है, उसको इगलामबाजी कहते हैं। और भी बहुत गैर फितरी तरीके हैं जो शायद हमें बयान करने चाहिए या नहीं, लेकिन एक सवाल आ गया है और शगुफ्ता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो वो खोल कर बता रहा हूँ कि ये आज़ादी हम अपने बच्चों को उतनी दें जितने वो, जितना उनको शऊर आया है, और जितने वो अल्लाह से डरने वाले हैं। कहीं भी किसी भी जगह जाति अगर ज़्यादा कुछ दिया तो उसके नुकसान बच्चों को उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी दुआएं अब्दुल्ला आपके लिए, दिल से दुआ करेंगे। जब दिल में नूर हिदायत पैदा हो और ज़िंदगी में आपको ऐसा महसूस हो कि आप अल्लाह की तरफ लौट रहे हैं, तो कॉल करके ज़रूर बताइएगा। सलाउद्दीन भाई के सवालात महफूज हैं, लेकिन इरफाना का सवाल हम अपने पास ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं। जी बताएं इरफाना साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे दो सवाल हैं जी, लेकिन अभी जो पहले हकीम साहब ने जो इतनी अच्छी टॉपिक पे जो दर्ज दी है, बहुत अच्छी दी है, इससे और आजकल के जो नौजवान बहुत अच्छी नसीहत मिलेगी, जो दौर चल रहा है आजकल के नौजवान इंशाल्लाह सब जानते ही हैं। बिल्कुल जी, आपका पहला सवाल। हाँ, उसके लिए शुक्रिया। पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे हकीम साहब बोलते हैं कि बेकरी आइटम्स जो हैं वो नुकसान करते हैं, तो वो कभी कभी ले सकते हैं कि जैसे टोस्ट वगैरह हुआ, कभी अर्जेंसी में नाश्ता वगैरह नहीं बना पाते हैं तो बच्चों को या हम भी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे जो गोन चिलगोजा है ना हकीम साहब, हमने सब जगह ट्राई किया, वो कहीं पर भी नहीं मिला हमें, और तो मतलब आपके वहां से अगर मंगवाना हो तो कैसे हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा क्या, और क्या मतलब इसका वो क्या है, मोल भाव क्या है इसका? बेहतर सुनिए जी हकीम साहब। कदरदानी के भी बहुत शुक्रिया। दरअसल जो मैं तो कुछ अच्छी तरह बात भी नहीं कर सका, लेकिन इस बारे में बात होनी चाहिए और टीवी चैनल्स पर बात होनी चाहिए, ताकि माँ बाप को और
बच्चों को इस बारे में तरगीब मिल सके। मैं तो बहुत मामूली हूँ, जितना मेरे में इल्म है मैंने उतनी बात कहने की कोशिश की है, लेकिन कदरदान लोग कदरदान होते हैं, मुझ जैसे नाचीज को भी पसंद कर लेते हैं। अच्छा, ये आप हमारे यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर आपके आ रहा है तो उसको आप हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करके आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जी, जी शुक्रिया। बेकरी आइटम्स के बारे में कभी कभी ज़रूरत हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है हकीम साहब? हाँ, कभी कभी तो सबको ज़रूरत होती है और खा ही लेते हैं, लेकिन इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। बेकरी आइटम में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसान करती है, जैसे ये ब्रेड वगैरह ज़्यादा नुकसान करती है। अगर ये जो जैसे हम पापे कहते हैं अक्सर, ये नुकसान नहीं करते, जो ज़्यादा भुने हुए होते हैं ना, और जो ज़्यादा ऐसे होते हैं ऑयली, जैसे वो लोग फैन खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, मट्टी खाते हैं, ये सब ज़्यादा नुकसान करते हैं। जी, ब्राउन ब्रेड हो या होल व्हीट अगर हो तो वो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, मैदा नहीं, सफ़ेद जो आता है ब्रेड वो नहीं, बाकी चीज़ें। हाँ, देखिए मैदा ही हमारा ज़्यादा दुश्मन है। हाँ, तो इससे आप गुरेज करें, सूजी से बने हुए चीज़ें। और ब्राउन ब्रेड मैंने देखी है, मेरे घर में भी यूज़ होती है, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की बगैर किसी बड़ी मजबूरी के। तो इस तरह से गुजारा करें। बेहतर है सर, जज़ाकअल्लाह। नसरीन साहब फोन लाइन पर मौजूद है। सलाउद्दीन भाई, थोड़ा सा इंतजार और। जी बताइए नसरीन साहब, क्या सवाल है? वालेकुम सलाम जी। मेरा दो तीन सवाल है बाजी। लेकिन आपके सवाल सलाउद्दीन भाई के सवालों के बाद होंगे इंशाल्लाह। आप लिखवा दें, दर्ज करवा दें पहला सवाल। ठीक है बाजी, मेरा बड़ा बेटा है, उसको 4-5 दिन बहुत ज्यादा बुखार हुआ। हाँ। तो उसके मुंह में छाले आ गए, उसको खाना खाए तो बहुत रोता, उस खाए नहीं जाता खाना। अल्लाह शिफा दे। ठीक है। और दूसरी बात बाजी, बहुत चिड़चिड़ापन आ गया उसमें, अगर कुछ भी बोले सुनता नहीं और रोने लगता, बोलता मेरे को मत बोलो, उसके बारे में कुछ हकीम साहब को बोलो, कुछ ऐसा समझा दे कि माँ बाप अगर कुछ बोले तो सुने। उम्र क्या है बच्चे की, एज क्या है? कितना साल है? 15-16 साल है बाजी। बेहतर, ठीक है। और हमारे बाजू में एक आदमी रहता है तो उनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द है 1 साल से, तो मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सामने वाले को कैसे यकीन दिलाऊं कि ये दवा खाओ तो इससे फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर वाले को बहुत फायदा हुआ उससे, मगर सामने वाला बोलता तुमको कैसे यकीन है कि फायदा हो जाएगा ये दवा से, तो उसको यकीन कैसे दिलाऊं, वो कैसे मैं उनको बताऊं कि हकीम साहब की दवा बहुत फायदा करती है। बेहतर। और भी कोई सवाल? ये कि मेरा छोटा बेटा है तो उसका सिर भी दुखता है और पेट भी दुखता। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र क्या है? वो उसका 11 साल चालू है बाजी। बेहतर, अब आप थोड़ा सा इंतजार करें। सलाउद्दीन भाई, आपके सवालात की तरफ आ रहे हैं। हकीम साहब, पहला सवाल उनका शायद अपने किसी दोस्त के बारे में था जिसको दिल का आर्जा था, अब पेट फूल गया, स्टेंट्स पड़े हैं दिल में, उसके बाद जिस्म में भी सूजन आ गई है, बीपी भी बढ़ गया है, क्या करें? देखिए, फिक्र ना करें और अलसी को हल्का सा भूने, अलसी सभी जानते हैं, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, और ये एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर आधा चम्मच अलसी रोज एक दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर खा लिया करें, इंशाल्लाह इनकी तमाम परेशानियां अच्छी रहेंगी और ये सूजन और बहुत सारे बीमारियां। देखिए इसमें क्या होता है कि स्टंट पड़ने के बाद भी वो परेशानी ऐसी रहती है कि कुछ दिन बाद फिर वो ब्लॉकेज होने लगते हैं दिल में, ये दोबारा से ब्लॉकेज नहीं होने देता ये नुस्खा, और फिर इस अमल के बाद जो अद्वियात खाते हैं वो फ़ायदा तो बहुत करती है एलोपैथिक, लेकिन किडनी और लीवर को मुतासिर कर देती है, तो ये नुस्खा किडनी और लीवर की मरम्मत के साथ पेट का फूलना, एसिडिटी, कब्ज को भी दुरुस्त करता है। जी, दूसरा सवाल, गले की नस चोक हो गई थी और पाँव में कमजोरी है उन्होंने जैसे बताया, क्या करें? ऑपरेशन हो चुका, गले का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, सपिस्तान, उन्नाव
अलसी वाला नुस्खा आप इस्तेमाल करें, 100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीप लें और इसको इस्तेमाल करें। और गौंसिया खाना बेहतर है एक या दो वक्त खाने के बाद पानी या दूध के साथ। जी, बार बार पेशाब का आना, जैसे इन्होंने कहा कि नमाज में भी जो है वो इनको तकलीफ हो रही है, बार बार वजू करना पड़ता है, क्या करें? देखिए, एक नुस्खा पहले भी मैंने बताया है और ये जितने भी नुस्खे जात हम बताते हैं ये राह निजात नाम से यूट्यूब पर सर्च करें, ये तमाम आपकी बातचीत और हमारी बातचीत उस पर डाल दी जाती है। तो कोई भी नुस्खा ये दोबारा से आपको देखना हो तो आप राह निजात सर्च करें यूट्यूब पर, तो आपको अपना सवाल भी मिल जाएगा और इनको एक अच्छा नुस्खा, बहुत कामयाब नुस्खा। अलसी ले 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम और ये लाजवंती 100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बना के रखें और एक चम्मच इसमें से गरम दूध ये पानी में मिलाएं, अगर शुगर नहीं है तो शक्कर मिला के मीठा भी कर सकते हैं, और इसमें एक चुटकी गौंद चिलगोजा मिलाकर रोजाना एक बार या दो बार खा लिया करें। ये ऐसे पेशाब जिनको आता है और ख़ासतौर पर नमाजी लोग की परेशानियों के लिए बहुत अच्छा है कि वो एकदम लॉक कर देता है, जाम कर देता है और बार बार पेशाब आने को, आप अपना खूब ख्याल रखें। आखिरी सवाल, 42-43 साल उम्र है, खातून की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, उन्हें क्या करें? हाँ, देखिए आसान नुस्खा है, अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, एक चम्मच सुबह खाएं, नमक जैतून के पानी के साथ, और मुमकिन हो तो इसमें एक चुटकी खाने का सोडा भी मिला लें पानी में। ये अगर 3 महीने लगातार इस्तेमाल किया जाए तो कैसी भी कमज़ोरी को फ़ायदा हो सकता है। जावेद भाई रायबरेली से, बताएं जावेद भाई क्या सवाल है आपका? जावेद भाई, मैं सुन पा रहे हैं आप? ऐसा लगता है इनसे रब्ता हमारा नहीं रहा। नसरीन साहबा के सवालात ले रहे हैं। बच्चे को बुखार आया था किम साहब, जैसे उन्होंने बताया कि मुंह में छाले पड़ गए हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन हो गया है, 16 साल उम्र है, क्या करें? हाँ, उन्हें नारियल पानी पिलाएं और कच्चा नारियल खिलाएं, जितना भी खा सके ये खिला दें तो बुखार के अफराज से भी आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है जो दिमाग पर टेंशन पैदा कर देते हैं, इससे इनके छाले भी अच्छे होने मुमकिन है और धीरे धीरे उनको कंट्रोल करें, फायदा होना मुमकिन है। एक 11 साल का बच्चा है जिसके पैरों में भी दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, क्यों होता है? हाँ, देखिए इस उम्र में दर्द तो होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा दौड़ते फिरते हैं, घूमते हैं, तो अगर रात को हो गया सुबह को ठीक हो गया तो इसे बीमारी ना समझा जाए, और पेट में दर्द है तो एक आता है बेल का मुरब्बा रोजाना एक पीस उसका खिलाया करिए, ये कतले कतले की सूरत में मिलता है, एक पीस रोजाना सुबह निहार में खिला दिया करें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन। जी, अब पड़ोसी को ये बताना है कि गौंदसिया काम करता है, कि शौहर को तो बहुत फायदा हुआ, उसे कैसे बताएं? देखिए, ये यकीन जो है बहुत आसानी से नहीं आता, ये हमने जब काम शुरू किया था तो कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन उसकी मजबूरी उसको यकीन करा देती है, दर्द है जाता नहीं है, दवाएं तो खानी है, अभी आप एलोपैथ खा रहे हैं कोई बात नहीं, एक वक्त ऐसा आता है जब एलोपैथ काम करना बंद कर देती है तब हमारी तरफ यकीन आता है, और उनको मजबूर ना किया जाए, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुफ्त में कुछ चाहते हैं तो उनको मुफ्त में दे दी जाए दवा तो फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर शख्स की अपनी अजीब कैफियत होती है, वो मुफ्त में जो लेना चाहता है आप उसे पैसे की दवा देकर ठीक नहीं कर सकते, और जो
पैसे में लेना चाहता है उसको मुफ्त की दवा देकर ठीक नहीं कर सकते। हर शख्स की अपनी फितरत, अपना यकीन है, और अल्लाह करे उनको वैसे ही फायदा हो जाए, और मैं चाहूंगा कि अल्लाह उसको वैसे ही फायदा दे दे। जी, शायदा है मुरादाबाद से, बताइए शायदा साहब क्या सवाल है। जी बहन, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अकीम जी को भी सलाम अलैकुम। हमारा भी सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम। मैंने दवाई मंगवाई थी, वो गोंद चिया मंगवाया था, जैतून नमक मंगवाया था अपनी अम्मी के लिए, उनको बहुत फायदा है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, मुबारक। और मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो गई है, और मैंने अपने भाई को भी मंगवा के दिया, गोंद चिया मंगवा के दिया, और कलौजी का वो सिरका और जैतून नमक, वो सेलमपुर में रहते उनको भी फायदा बहुत हुआ, और मैंने ही मंगवाया जैतून नमक, उससे वो देर गिरी के पाउडर के साथ खा रही, पेट के लिए बहुत फायदा है, अल्लाह का शुक्र है, पेट नहीं फूलता है। आपका रोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन आप नहीं आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दिन चाहता रोज लाइफ आपसे बात करूँ। कोई और सवाल तो नहीं आपका? जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और हकीम साहब की उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपका ये प्रोग्राम खूब चले और आपकी सेहत, आपको सेहत दे। आमीन। खैर का ये मामला आपके साथ भी हो बहन। मैं बहुत लोगों को बता रही हूँ, जितने लोग मुझे मिलते हैं कोई तकलीफ में होता है तो मैं उसे फौरन बताती हूँ, उसका नंबर लगवा देती हूँ, और आपके लिए आपके वहाँ से वो मंगवा के देती हूँ, किसी को क्या गोन, किसी को नमक, हमारे वो नंदोई में वो तो आप तक 2 साल से खा रहा है, जामुन का गोन, जैसे शायदा साहबा आप कहाँ रहती हैं? आप मुरादाबाद में रहती हैं? मुरादाबाद में रहते हैं। सीलमपुर में आपके रिश्तेदार रहते हैं? मुरादाबाद के पास बिलारी है, मुरादाबाद से आगे बिलारी है, बिलारी से आगे खामला, वहाँ रहते हैं गाँव में। मैं बहुत लोगों को जब आपकी दवाई बता रही हूँ, हमारे देवर है, मैंने उनको बताया था तो उनके भी 5-2 साल से आ रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने यकीन किया और अल्लाह पर भरोसा किया। देखिए, हम जैसे तो जाने कितने लोग आते हैं टीवी चैनल्स पर, लेकिन वो सब अपने किट बेचते हैं, हम आपको एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो आप खुद बनाएं और खुद इस्तेमाल करें, फ़ायदा हो जाए तो अपने आसपास भी फैला दें। ये नुस्खे जात घर घर पहुंचाना हमारा एक मुहिम है, जो काफ़ी दिन हो गए इसको, और हम इसमें अभी निस्फ कामयाब हैं, आधे कामयाब हैं। तो फिर मैंने आप लोगों से गुजारिश की कि ये नुस्खे फैला दें, और लोग हैं तो तकलीफ में और हर घर में हैं, अगर ये नुस्खे इस्तेमाल कर लिया करें तो फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। अगर आप यहाँ दिल्ली में होते तो आपका इंटरव्यू यहाँ हमारी मीडिया टीम करती, ताकि लोगों को और यकीन हो सके। बिल्कुल, कभी आपका दिल्ली आना हो शायदा साहबा तो जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा जाए। चमन जहां साहबा फरमाइए, क्या सवाल है? ये दोनों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, ये आप जो कुछ छोटा सा सुनाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हकीम साहब की भी बहुत अच्छी लगती है, आप मतलब इसी तरह करते रहें प्रोग्राम। अच्छा, मैंने ना गोंसिया और वो ले रही थी, गोंसिया और नमक जैतून मंगाया, उससे पहले शबिस्तान, उन्नाव, हकीम साहब जो बतलाते हैं ये तीनों चारों चीजें मिला के बनाया था, नजला बलगम ने जा दिया मेरा, और ये नमक जैतून सोडा डाल के पी रही थी जब तक नमक जैतून नहीं था, अब नमक जैतून जो पी रही हूँ उससे है ना भूख लग रही है, और पेट जो है खाली खाली हो रही है, उससे पेट में दर्द हो रही है, ये छाती के नीचे से पेट में बस ये बहुत ही खाली खाली हो रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? 2-4 दिन से मैंने छोड़ दिया, क्या पता इसकी वजह से हो रहा हो, तो ये किस वजह से पेट में खाली खाली हो रही है, दर्द सा हो रही है पेट में? ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, यहाँ कोक को ये खाली करता है, ये कोक ना यहाँ से पेट जो फूला रहता है तो फिर ये यहाँ से नहीं खुलता, तो ये ऐसा करता है। अगर ज़्यादा खुराक ले रही हो तो कम कर दे, 2 बार ले रही है तो 1 बार कर दे, और उसके बावजूद भी आपको कुछ परेशानी हो तो
अलसी एक चम्मच खाएं और उसके साथ ये नमक जैतून और सोडे का पानी पिए। ये आपकी चर्बी जो जायद चर्बी है उसको ख़त्म कर रहा है, तहलील कर रहा है, और आप इसकी मकदार कम भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन। जी हकीम साहब, इस दौरान के अभी और कॉल्स आए हम तक, एक छोटा सा सवाल और। जैसे उन्होंने बताया कि वो मेरे हमसाए हैं, यकीन करने को तैयार नहीं, हालांकि अमली तौर पर या वो देखे तो नमूने के तौर पर, मिसाल के तौर पर उनके शौहर मौजूद हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और अब वो चल फिर भी सकते हैं, काम काज भी कर रहे हैं बखूबी। तो जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ नमूने के तौर पर या इस्तेमाल के लिए इब्तदा में कुछ दे कर देखा जाए, वो आजमा लें तब यकीन आए, तो इस पर ज़रूर जानेंगे कि जैसे ये प्रोग्राम है इसमें कितने सारे लोग, यानी माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग ये बताते हैं कि उन्हें फ़ायदा हुआ है, बरसों पुरानी बीमारी थी और अल्लाह के हुक्म से आपके तजुर्बे और आपकी दवाओं के ज़ेर असर अल्लाह ने उन्हें शिफा दी है। तो एक छोटा सा लतीफ़ा याद आया, फिर आपकी तरफ आएँगे, वक्त भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है, तो कॉल्स का इंतज़ार भी है। एक शख्स ने देखा कि एक दुकान के सामने एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, पूछा क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि अब्बा दुकान में एक नया साबुन लाए हैं। तो बोले फिर? कहा जो भी ग्राहक आता है वो पहले मेरा मुंह धोकर उन्हें दिखाते हैं कि देखो इसके फायदे देखो। तो ये लतीफा याद था कि लेकिन अमली तौर पर जब तक खुद पे नहीं गुजरती अच्छे या बुरे हालात, बेहतरी या बदतरी, इंसान को यकीन नहीं आता, तो ये यकीन दिलाने की और क्या सूरतें हैं। यकीन ना करे तो घर वाले नहीं करे। मैंने बताया कई बार कि मेरी बीवी मेरी दवाएं नहीं खाती, बहुत ही मजबूर होकर कभी गौंसिया खा लेती है, जब कोई दवा काम नहीं करे उसे एलोपैथ पर भरोसा है। मेरे बच्चा है बहुत मोटा, मैंने उसको नमक जैतून और दिया और ड्यूटी लगा दी, फिर भी कोशिश करता है नहीं खाए। मैंने कहा उससे देख एक महीना खा नमक जैतून और खाने का सोडा, अगर तुझे 3 किलो वजन कम लगे तो मुस्तकिल कर लेना। तो उस सबको तो वो धोखा दे देता है, फिर मेरे सामने जब हाजिरी होती तो उसकी हाजिरी बस यही है कि मैं उसे वो नमक जैतून और खाने का सोडा एक चुटकी पिला देता हूँ। तो मैं कहता हूँ मुझे शर्म आती है तुम्हें देखकर, कोई कहे कि ये हकीम सुलेमान का लड़का है और तो इनकी दवाइयाँ क्या काम करती होंगी। तो यकीन भी नहीं होता, दिलचस्पी नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे परिवार को यकीन नहीं है। एक शख्स 20 साल तक लगातार लंगड़ा के चलता रहा, वो मेरा रिश्तेदार था, और जैसे हमारे रिश्तेदार होते ना वो आपकी कदर बहुत कम करते हैं, आपके नुस्खों की आपकी। अब यकीन करें 20 साल लंगड़ाता रहा और उसके बाद उसके किसी अजीज ने वो गौंसिया लिया और वो ठीक हो गया, तो उसकी बात पर यकीन आया, मेरी बात पर यकीन नहीं। अच्छा मुझे तो परवाह भी नहीं कोई लो या मत लो, मुझे तो ये है कि यकीन किए बगैर आप कोई दवा खा नहीं सकते। तो 20 साल बाद उसने तकलीफ उठाकर जब गौंसिया खाया तो अब वो सीधा चल पाता है, लेकिन फिर वही शख्स दिल का मरीज हो गया। मैंने उससे कहा ये नुस्खा ले, तो फिर वो जिद पे अड़ गया, अरे क्या वो बड़े हैं, बड़े भाई हैं, वो हमसे कोई 10 साल बड़े हैं, भरोसा करते नहीं। आखिर ये हुआ, मैंने उनसे कहा तुम्हारे हार्ट ब्लॉकेज है, अगर ये बढ़ गया तो बाईपास करानी पड़ेगी। तो बाईपास तो नहीं हुआ लेकिन स्टंट डले हैं। मैंने बहुत पहले कहा था 10 साल पहले कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो स्टंट डलवा लिए, उन्होंने मेरा नुस्खा नहीं खाया और अब मजबूर है। बहरहाल यकीन खुद भी करना पड़ता है, दिलाना ज़रूरी नहीं है। और बकवल आपके कि हर हिस्से में हर खित्ते में मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ठीक हो चुके हैं, उनका भी कोई यकीन नहीं करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, 3 मिनट हैं, 2 कॉलर्स हैं, फिरोज पहले आपसे मुखातिब हैं, बताएं क्या सवाल है। वालेकुम सलाम जी बहन, आप बहुत अच्छी हैं वादी, आप क्या तारीफ की जाए बहुत। और कहते मैंने गौंसिया और जैतून नमक मंगाया था, हाँ। तो वो मैं खा रही हूँ, तो ये कहते हैं कि अलसी बहुत गर्म होती है तो ये शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, मेरा बीपी हाई रहता है,
तो ये कहते हैं कि ये खाने से आपको क्या कहते हैं और बीपी बढ़ जाएगा। तो मैं ये जैतून नमक और अलसी के साथ ले रही हूँ, तो सुबह निहार मुँह लेती हूँ, तो ये नुकसान तो नहीं है? बेहतर सुनिएगा जी हकीम साहब। और हाँ, और बेहतर, हमारे पास 2 मिनट का वक्त है भाई साहब, जल्दी से सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सभी को। वालेकुम जी। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हालांकि मेरा तो कमर का दर्द सही हो गया, मेरा नाम जुल्फिकार अली है, मैं पहले बात कर चुका हूँ आपसे, लेकिन जद्दोजहद मैंने बहुत की थी, क्योंकि मेरी कमर का जब मेरे एक डॉक्टर से मेरी लड़ाई भी हो गई थी इस बारे में, क्योंकि जब कमर का दर्द सही नहीं हो रहा था तो मेरी माँ ने अपनी जेवरी बेच दी और मेरा कमर का दर्द वहीं की वहीं रहा, तो मेरी लड़ाई हो गई, फिर उसने कहा सब्र करो सब्र करो, तो आपकी सब्र की बड़ी इंतहा मैंने की, सब्र का फल मीठा होता है, मेरी माँ यही कहती, लेकिन मैं करता रहा। बहरहाल 2 महीने के बाद मुझे फायदा जब आराम हुआ तो अल्लाह के कर्म से ऐसे ही उड़ गया सर, पता ही ना चला, आपकी सबकी दुआओं की वजह। और रही बात आपके इस चैनल की, बहुत सालों से देखता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी इमादी हमारी ये इनके। और कुछ जो इस वतन के ऊपर हिजाब के ऊपर जो मसला चल रहा है, और बहुत अच्छी बातें आप बताते हैं, और ये खुली खुली बात बताते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप को और बच्चों को बड़ी सलाहियत मिलती है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।